ये आजादी का लोकतंत्र देश है, ऐसा लोकतंत्र देश है। ये देखिए आप लोग कितनी, अरे अरे अरे, दिल्ली पुलिस, कोई दिल्ली पुलिस पुलिस के द्वारा लोगों के साथ। ये आजादी का लोकतंत्र देश है, ऐसा लोकतंत्र देश है। ये देखिए आप लोग कितनी बदतमीजी की जा रही है दिल्ली पुलिस के द्वारा, लोगों को धक्का मुक्की किया जा रहा है। ये देखिए कैसे कैसी बदतमीजी हो रही है। थाने के बाहर यहाँ पर आने वाले ये खबर बाहर आई, थोड़ा पीछे दिल्ली पुलिस में ओवैसी का भी नाम है, तो यहाँ पर एआईएमआईएम के कार्यकर्ता है, इन्हें डिटेन करके ले जाके, और अब देखिए जो एक दो कार्यकर्ता थे जिनका कहना था कि वो निकल सकते हैं, उन्हें यहाँ पुलिस डिटेन करके ले जा रही है, और वो उनके साथ जो है इस तरीके धक्का मुक्की और उनको अंदर खाने के अंदर दिखाया गया है, तमाम फोर्स के लोग आप मैं यहाँ से पहले बात करूँगी, उसके बाद अगर उनका ये होगा कि आप अंदर आइए या आप सामने आ जाइए, आप लोग मुंह से हैं दिल्ली पूजा, किस पार्टी से हैं आप लोग, किस पार्टी से आप लोग यहाँ पर तीन लोग आए हुए थे और इनको भी अंदर लेके जा रही है जबरदस्ती। अरे अरे अरे, दिल्ली पुलिस, कोई दिल्ली पुलिस ये लोकतंत्र देश है और इस देश में जो लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दें तस्वीरें साफ तौर पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका
ये देखो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आज के दिन जो है प्रोटेस्ट था जंतर मंतर के अंदर, लेकिन लोगों को जंतर मंतर में प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया और लोग यहाँ पे आए थे प्रोटेस्ट के लिए बहुत शांति संतुलन के साथ, मगर यहाँ दिल्ली सरकार के द्वारा प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया और जितने लोग आए थे सबको बस में भर लिया गया। देख लीजिए आप लोग, देख सकते जब परमिशन नहीं दी गई तो उनको डिटेन कर लिया गया, यहाँ पर गाड़ी में भर के ले जाया गया, ऐसे जैसे भेड़ बकरियों को लेके जाया जाता है। आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं कैसे घसीटते हुए वो लेके गए थे। उसके बाद जो मुस्लिम महिलाएं थी बुरके में थी, आप सीधे सीधे तौर पे देख सकते हैं, मैं तस्वीरें दिखा दूंगी, तस्वीरें आप देख सकते हैं। उसमें जो मुस्लिम महिलाएं थी वो जो कुछ कह भी रही थी प्रॉफिट मोहम्मद साहब के लिए, तो उसके बाद जो पुलिस, जो महिला पुलिस थी, वो आती है और दौड़ भाग करती हुई उनको खींच के ले जाती है। और किस तरीके से यहाँ पर आपने सामने में तस्वीरें देखी होंगी और मैं दिखा दूंगी तस्वीरें, आप सामने तस्वीरें देखिए, जो लीगल कोर्ट के एडवोकेट हैं मुजम्मिल साहब, उनको भी जो है किस तरीके से घसीटते हुए पुलिस लेके गई कि एक एडवोकेट के ऊपर कैसे गिरेबान पे हाथ डाल लिया जाता है क्योंकि वो मुस्लिम है। ये दोहरा मापदंड की राजनीति करी जा रही है, जिस तरीके से धार्मिक मुद्दों को एक बड़ा मुद्दा बनाकर पेश किया जा रहा है देश में, आप सीधा सीधा देख सकते हैं किस तरीके से धार्मिक सौहार्द और जिस तरीके से जो हमारे देश का हिंदू मुस्लिम सौहार्द है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। लगातार ऐसे लोग जो बीजेपी में बैठे हुए हैं, प्रवक्ता हैं, जो अपने आप को प्रवक्ता बताते हैं, वो एक तरफा टिप्पणी करते हैं, मुस्लिमों के खिलाफ टिप्पणी करते हैं। आप लगातार इस तरीके के जो डिबेटों में हिस्सा लेते हैं प्रवक्ता, आप देख सकते हैं किस तरीके से एक नुपुर शर्मा ने भद्दी टिप्पणियां की हैं प्रोफेट मोहम्मद साहब के ऊपर। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे देश को झुकना पड़ा है, किस तरीके से शर्मिंदगी की जो अब दास्ता है वो आप देख सकते हैं, किस तरीके से उनको ये सब देखना पड़ा। पूरे देश को शर्मसार करने वाली ये जो नुपुर शर्मा है, उसने इस तरीके की टिप्पणी की प्रोफेट मोहम्मद साहब पर, और उसी के चलते यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था मगर उन्हें परमिशन नहीं दी गई। ये असउद्दीन ओवैसी की जो पार्टी थी उसके द्वारा जो लोग आए थे यहाँ पर उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको डिटेन कर लिया गया, जो अपने हक अधिकारियों की बात करने आए थे उनको परमिशन तक नहीं दी जा सकती है। सोचिए हमारे देश में किस तरीके की एक तरफ किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है तो एक तरफ किसी को सुरक्षा दी जाती है। जी हाँ, Y+ सुरक्षा दे दी गई है नुपुर शर्मा को। सोचिए जिसने इतनी बड़ी टिप्पणी की है, जिसने पूरे देश की नाक कटा दी है, उसको सुरक्षा दी जा रही है। और यहाँ पर लगातार आपने देखा किस तरीके से लीगल एडवोकेट थे उनको घसीटते हुए ले जाया गया, एक एडवोकेट के ऊपर किस तरीके से गिरेबान पे हाथ डाल के पुलिस वाले घसीटते हुए ले जाते हैं, आप सामने देख सकते हैं। और उसी तरीके से मुस्लिम महिलाएं जब बोलती हैं तो उनके ऊपर किस तरीके से किया जाता है, उनको पकड़ लिया जाता है महिला पुलिस द्वारा, वहां पर उसने डिटेन कर लिया जाता है और घसीटते हुए उन्हें भी थाने के अंदर ले जाया जाता है, आप सामने सीधी सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। इसी तरीके से बने रहिए जनहित आवाज़ पे मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ, मैं पूजा दिल्ली।